बिहार के पटना सिटी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 55 साल के अहवान ने 12 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरे की नजर से चेहरा छुपा रहे इस शख्स की करतूत जानकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। उम्र 55 का और गुनाह ऐसा कि जिसे करते हुए इसके अंतरात्मा भी नहीं कांप। 55 साल के इस शख्स ने 12 साल की बच्ची की किस्मत को तार तार कर दिया। पीड़ित बच्ची इलाके की काली मंदिर के पास अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि हवस का यह पुजारी उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए साजिश रच रहा है। मौका पाते ही आरोपी ने मिठाई और पैसे का लालच देकर बच्ची को अपने घर बुलाया और उसके साथ वो गंदी हरकत की जिसकी टीस सालों तक इस बच्ची को सालता रहेगा। घर में एक काल पर खेल लिया ना, हाँ। तक घर में अति घीस के ले गया। कौन? वो बूढ़ा, वो दादा की। अच्छा, वो हल्की ना तक कमौरी बनकर दिल की। बच्ची आई फिर बच्ची भी नहीं बताई, वो चल गई पढ़ने। उसके बाद किसी ने हमको पड़ोसी ने बताया कैसा ऐसा बात हुआ। फिर बच्ची को बहला फुसला कर पूछा गया, उसको जान से मारने की भी धमकी दिया गया था कि अगर इस बात को किसी को बताओगे तो तुमको जान मार देंगे। घटना के बाद बच्ची अपने घर लौटी और सारी घटना की जानकारी दी। मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। बलात्कार की बात सामने आई थी, इसलिए हम लोग केस दर्ज कर अनुसंधान कर रहा है। आरोपी अंबिका प्रसाद हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष बताया जा रहा है। पुलिस को पीड़ित बच्ची के मेडिकल जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस किसी भी कीमत पर इस हैवान को बख्शने के मूड में नहीं है। प्रवीण कांत, इंडिया 24/7,